आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। सागर जिले के बंडा थाने में एक लड़की अपने परिजनों के साथ एक लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी, जहां पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की बल्कि उसके परिजनों की रजामंदी के बाद थाने में ही सात फेरों के साथ विवाह संपन्न करा दिया। दरअसल बंडा निवासी लड़की अपने परिजनों के साथ मोहल्ले के एक लड़के के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी। थाने में मौजूद एसआई बबीता चौधरी ने पीड़ित लड़की से उसके मन की बात जानने का प्रयास किया, जो कि वाकई लड़का उसे परेशान करता है या फिर नहीं, या फिर माजरा कुछ और है। सारा माजरा समझने के बाद साई ने लड़की की मां से बात की, जिस पर लड़की की मां ने रजामंदी देते हुए कहा कि यदि लड़का पक्ष शादी के लिए मान जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी के लिए लड़का पक्ष भी राजी हो गया, जहां थाना परिसर में ही मंदिर में लड़का लड़की के परिजनों के बीच पूरे विधि विधान से शादी संपन्न कराई गई। तो यहां पे आके मैंने देखा, तो पहले मैंने कहा एक आदमी अपन को बालिका से पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार की एफआईआर कराना चाहती है, किस पे कराना चाहती है। तो पता चला कि कुमारी प्रियंका, पिता हीरालाल बाल्मी, उम्र उसकी होगी 20 वर्ष के लगभग, बंडा की ही संजय नगर कॉलोनी की वार्ड 5 की है। तो उससे विस्तार से पूछा तो उसने कहा कि हमारा प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा है और बस परिवार वाले राजी नहीं हैं, और आज परिवार वालों ने थोड़ा देख लिया बातचीत करते हुए, तो वो चाह रहे हैं कि एफआईआर कराई जाए वरना हम अपने घर नहीं ले जाएंगे। तो फिर लड़की के माता पिता को बुला के समझाया हमने, कहा एफआईआर तो हम कर भी देंगे, लेकिन आप ये बताएं कि इस सिचुएशन में एफआईआर करने के बाद फिर लड़की का भविष्य क्या रहेगा। तो कहने लगे कि यदि लड़की के साथ कुछ ऊँच नीच हो रही है तो उसको कैसे फिर निपटाया जाए। तो हमने कहा फिर आप बताएं सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो उन्होंने कहा लड़के वाले शादी कर लें तो हम भी इसमें राजी हो जाएंगे। तो लड़के के माँ बाप को बुलवाया, तो जो लड़के से प्रेम प्रसंग था उसका नाम सिद्धार्थ, पिता किशोरलाल बाल्मीक, और वो भी बालिग था 21 वर्ष का, चूँकि लड़के लड़की दोनों ही बालिग हैं। तो उसके माता पिता को बुलवाया, फिर लड़के को भी बुलवाया, तो दोनों ही पक्ष इवन लड़के लड़की दोनों ही तैयार थे। तो अच्छे से समझाइश दे के माता पिता पक्ष दोनों ही राजी हो गए, लड़का लड़की भी राजी हो गए, अन्य सब सगे संबंधी भी आ गए वो भी राजी हो गए, और लॉकडाउन चल रहा था इसलिए पुलिस संरक्षण में ही, पुलिस प्रांगण में, मंदिर में ही हम लोग पुलिस परिवार ने शादी का आयोजन।